हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीरे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्विजं होता आरं रत्नधातमं। आज आप सभी लोगों के बीच में आने का अवसर मिला और आज हम सब लोग मिलकर के जो ईश्वरीय कार्य, देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म जिसको कहा गया, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम सब अपने हाथों से संपन्न करेंगे और उस यज्ञ के विषय में हम प्राचीन ग्रंथों को देखें तो 21 प्रकार के यज्ञ होते हैं। कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? 21 प्रकार के अलग अलग यज्ञ होते हैं। उसमें से आज हम जो यज्ञ करेंगे, सीखेंगे, वो दो प्रकार के यज्ञ, एक भेषज यज्ञ चिकित्सा यज्ञ और दूसरा देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र, ये हम विशेष रूप से आज सीखेंगे और उसके विषय में जानेंगे। देखिए, हम जिस हवन को, यज्ञ को अभी करेंगे, ये केवल मात्र एक देव पूजन, एक ईश्वर की आराधना, पुण्यों की प्राप्ति या आध्यात्मिक कुछ और विशेष लाभ जाए, इतना मात्र ही नहीं, वो तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये कई सारे प्रकार के अलग अलग लाभों को प्रदान करने वाला होता है। देखिए, कोई भी द्रव्य को जब हम जलाते हैं तो सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं कि ये नष्ट हो गया, खत्म हो गया, गाय का घी हमें दिख रहा है, इतना उत्तम गुणवत्ता युक्त ऐसे है, लेकिन उसको हम जला देते हैं तो क्या हो जाता है? लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। और नाश शब्द का यदि वास्तविक अर्थ भी आप देखें तो नाश शब्द का अर्थ ही होता है नस अदर्शन, नाश कारण ले, अपने कारण में ले हो जाना, अदर्शन हो जाना, पहले दिख रहा था अब ना दिखना, ये होता है नाश शब्द का अर्थ। हमारे पास एक कटोरी के अंदर जल हो और उसको गर्म करें 100 डिग्री पर, तो पानी का क्या होता है? वाष्प बन जाती है ना। पहले वो पानी को हम वेट कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन अब ना हम उस पानी को छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना उसके साथ व्यवहार कर सकते हैं। वो क्या हो गया? पानी रूपांतरित हो गया। क्या हो गया? रूपांतरित हुआ ना। ऐसे ही धरती पर कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। जो भी पदार्थ जलता है तो वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है। जब वो रूपांतरित होता है तो तीन रूपों में वो हमारे सामने आता है, एक पार्टिकल के रूप में, एक गैस के रूप में, एक एनर्जी ऊर्जा के रूप में। जब ये तीन रूपों में हमारे सामने आता है तो उसके अपने अपने अलग अलग लाभ होते हैं। और जैसे गाय के घी की हम विशेष रूप से आहुतियां देते हैं ना, गाय के घी को जलाने पर वो 1864 गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। कितना? हम 1 ग्राम मात्र गाय के घी की आहुति देते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। कितनी? बहुत बड़ी मात्रा में वो बढ़ जाता है, गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है तो। और इतना ही नहीं, उसके साथ साथ उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनता है और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। और गाय का घी का जो धूम्र होता है उसको जब एनालाइज करते हैं, जो दवाइयां हम बनाते हैं ना,
एलोपैथ आदि में जो दवाइयां बनाते हैं, तो दवाइयां बनाते समय जो द्रव्यों का हम प्रयोग लेते हैं उन द्रव्यों के अंदर क्या क्या तत्व कितनी मात्रा में है उसको देखने का एक तरीका होता है GCMS-MS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें क्या होता है कि उसको एनालाइज करके माइक्रो लेवल पर जो चीजें हैं कितनी कितनी मात्रा में है वो देखा जाता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, अभी हम जो अपने हाथों से यज्ञ करेंगे उस यज्ञ के अंदर गाय का घी जो हम आहूत करते हैं वो गाय का घी जब रूपांतरित होकर के गैस फॉर्म में आता है तो उसके अंदर मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं जो हम अलग अलग रोगों के लिए दवाइयां खाते हैं और उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स हमें प्राप्त होते हैं वो सारे गैस फॉर्म में यज्ञ के धूम्र के अंदर होता है। तो गाय का घी एक बहुत ही विशेष द्रव्य होता है, यज्ञ के लिए मुख्य द्रव्य होता है। उसके साथ साथ देखिए हम जो पूरा हवन करते हैं उसमें जड़ी बूटियां का भी हवन करते हैं और भी द्रव्यों की हम आहुतियां देते हैं। तो हम जो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे महीन कण होते हैं ना, वो पार्टिकल कण जब वायु के अंदर आते हैं तो वायुमंडल के अंदर व्याप्त जो रेडिएशन होते हैं, दो प्रकार के रेडिएशन के जाल में आज हम जी रहे हैं। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हम मोबाइल टीवी कंप्यूटर लैपटॉप हमारी घर के दीवारों के अंदर भी केबल बोर्ड्स बिछे होते हैं और भी बहुत सारी चीजें, और आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं, ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है। आज हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं और इस रेडिएशन के कारण आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ी चेतावनियां साइंटिस्ट लोग दे रहे हैं कि ये रेडिएशन को कैसे भी करके कंट्रोल किया जाए अन्यथा हमारा जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। और इस रेडिएशन के कारण छोटी छोटी मधुमक्खियां चिड़िया आदि सब मर जाते हैं। और इतना ही नहीं, इसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर विशेष करके हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स वो काम करते हैं जो हमारा मस्तिष्क का मुख्य पार्ट होता है, जो सारे मैसेज जैसे हम हाथ हिलाते हैं और जो मैसेज आते जाते हैं और ये सारी चीजें होती है ना, मुख्य जो पार्ट होता है न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स को डैमेज करने का काम और सेल को भी डैमेज करने का काम रेडिएशन करते हैं। और वो जो रेडिएशन है उसके कारण आज पूरी दुनिया में MND, MD, मस्कुलर डिस्ट्रोफी आदि, ये मस्तिष्क से संबंधित कितनी सारी ऐसी अलग अलग बीमारियां हैं जो बहुत बड़ी मात्रा में पनप रही, ये लाइलाज बीमारियां कही जाती है, ये एक बार होती हैं तो व्यक्ति का जीवन लेकर के जाती है। और यहां तक कि अधिक रेडिएशन वाले वायुमंडल में रहने पर कैंसर जैसे रोग होने की भी कई सारी बातें सामने आ रही है। और आज कई सारे देशों में विशेष रूप से मुहिम चलाई जा रही है कि 5G नेटवर्क अभी जो रेडिएशन उसमें और बढ़ता है तो उसको कैसे भी करके रोका जाए, क्योंकि ये प्रकृति और हमारा स्वास्थ्य नहीं बचेगा तो ये कोई काम का नहीं चाहिए। और ये इतनी बड़ी समस्या, आप देखिए हम जिस हवन को यज्ञ को अग्निहोत्र को अभी करेंगे उसको करने पर ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायुमंडल में आते हैं, छोटे छोटे महीन कण वायुमंडल में आते हैं, उसके वायुमंडल में आने पर जो रेडिएशन की रेंज होती है वो खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। डॉक्टर वाई के विजय जी जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में, उन्होंने एटॉमिक रेडिएशन में जो बीटा अल्फा बीटा और गामा तीन प्रकार के रेडिएशन होता है, लेकिन बीटा रेडिएशन सबसे अधिक हमारे व्यवहार में आने वाला रेडिएशन होता है जो हमें प्रभावित करता है, हमें नुकसान भी पहुंचाता है, उसके ऊपर कई परीक्षण करके बताया कि हवन यज्ञ अग्निहोत्र ये छोटा सा करने पर हम एटॉमिक रेडिएशन से बच जाते हैं। और डॉक्टर ममता सक्सेना जी सेंट्रल पोल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में, उन्होंने कई परीक्षण करके ये बात बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हवन करने पर दूर हो जाता है। मानी दोनों ही प्रकार के रेडिएशन से छोटा सा यज्ञ करने पर हम बच जाते हैं, कितनी बड़ी बात है। और इसके साथ साथ एक रिसर्च तो ऐसे सामने आई कि हवन करने के बाद जो भस्म बचती है ना, उस भस्म को पानी में डाल करके मिला दिया, उसके बाद एटॉमिक रेडिएशन से प्रभावित जो चावल थे उसको उसमें डाल दिया, कुछ घंटे के बाद उसको निकाल करके टेस्ट किया तो उसके अंदर भी एटॉमिक रेडिएशन का प्रभाव खत्म हो गया। इतनी तो भस्म में ताकत होती है। कहने का अभिप्राय है कि यज्ञ हम यदि प्रतिदिन 11 आहुति देकर गायत्री मंत्र से भी अपने घर के अंदर कर लें तो हम रेडिएशन से बच सकते हैं।
अपने परिवार को बचा सकते हैं। दूसरा देखिए, आज हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसी से हमें जीवन मिलता है। वायु को प्राण वायु कहते हैं ना, प्राण वायु से हमें जीवन मिलता है। लेकिन आज वही प्रदूषित हो जाने के कारण WHO के आंकड़ों को आप देखें तो प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोग मर जाते हैं। कितने लोग? 70 लाख से अधिक लोग केवल वायु प्रदूषण के कारण मौत के मुंह में समा जाते हैं। और हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग बहुत सारी गैसें निर्मित होती हैं, और वायुमंडल के अंदर पहले से ही बहुत सारी गैसें होती है। ये दोनों गैसें जब आपस में मिलती हैं तो एक फोटोकेमिकल प्रोसेस चलता है। कौन सी प्रोसेस? एक होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, जो आप सब जानते हैं, क्लोरोफिल, पत्तों का जो हरापन होता है उसके ऊपर सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तो वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। उसके टूटने पर वो कार्बन को अवशोषित करके अपना आहार बना लेते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाए। सामान्य रूप से हम कहते हैं पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते, पेड़ पौधे कोई ऑक्सीजन नहीं देते। इस प्रक्रिया से जो पहले से ही मौजूद होती है बॉन्ड्स के रूप में वो अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग और कार्बन को अलग करके अपना आहार बनाते हैं। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है फोटोकेमिकल प्रोसेस। उस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप दोनों गैस आपस में मिलती हैं। एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। ये निरंतर प्रक्रिया जिस अथाह वायु के समुद्र को हम नहीं देख पाते हैं उसमें ये निरंतर आमूल चूल परिवर्तन चल रहे होती है। और उसके अंदर ये विशेष प्रकार के यज्ञ करने पर गैसें जब हम मिलाते हैं तो डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे नासा में अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रकार के कई परीक्षण करके बताया कि हवन यज्ञ करने पर जो गैसें निकलती है उसके बाद ये फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है और उसके परिणाम स्वरूप जो SOX, NOX, CFC आदि जो जिसको हम हानिकारक गैसें, पोल्यूटेड गैसें, जहरीली गैसें कहते हैं, जिसके कारण से 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी पोल्यूशन से भी हमारा बचाव होता है, ये बहुत बड़ी बात है। और पोल्यूशन के बचाव के साथ साथ आज देश ही नहीं पूरी दुनिया की एक सबसे बड़ी समस्या है, वह है माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां जिसके कारण से आज पूरी दुनिया में कई हजार करोड़ रुपए की दवाइयां बिकती हैं, उपचार होते हैं, उसके बावजूद 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने लोग? 2.25 करोड़ लोग। कम्युनिकेबल डिजीज जिसको हम कहते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस या फंगस जनित बीमारियां होती हैं उसके कारण। और हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट PRI में कई सारे अलग अलग रिसर्च अनुसंधान किए और जो हवन करने पर जो धूम्र उठता है उस धूम्र को एनालाइज करके देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसके अंदर एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स की भरमार होती है यज्ञ के धूम्र के अंदर। उसके बाद हमने यज्ञ का धूम्र जो 2.25 करोड़ लोगों की जो मौत होती है उसके लिए जो कारणभूत मुख्य बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं उसको लिए और उसको ये यज्ञ का धूम्र विशेष रूप से दिया गया, तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक बार मात्र के यज्ञ से 65% से लेकर के 96% बैक्टीरिया, फंगस आदि नष्ट हो गए एक बार मात्र यज्ञ से। कितनी बड़ी बात है कि हम इतना छोटा सा यज्ञ कर ले तो संपूर्ण माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण। आज आप सब जानते हैं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को कैसे हिला करके रखा है, पूरी अर्थव्यवस्था ही, और इतना छोटा सा यज्ञ यदि हम अपने घर में कर ले तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इन सब चीजों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और आज जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीज होती है उसमें सबसे बड़े अलग अलग कारणों में से एक मोबाइल भी कारण है। आज जो रिसर्चें हुई उसमें पता चला कि हमारे घर के अंदर टॉयलेट सीट के ऊपर जो खतरनाक और जितने बैक्टीरिया होते हैं उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया हमारे मोबाइल के कवर के ऊपर होते हैं। हम उसको कभी साफ ही नहीं करते, धोते नहीं, और दिन भर में कितनी बार उसको हम छूते हैं। तो ऐसे जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं उन सब का निवारण होता है। यज्ञ का धूम्र उठता है तो घर के चारों ओर कोने कोने में जाते हैं, कपड़े, लते, पर्दे, सोफा से लेकर के जितने भी वस्तु सब जगह पर वो धूम्र प्रसरित होता है और सब बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से हमारा बचाव हो जाता है। तो ये तीसरा महत्वपूर्ण और विशेष लाभ।
और इसे अतिरिक्त देखिए, हम जिस अथाह वायु के समुद्र के अंदर श्वास लेते हैं उसके अंदर दो प्रकार के कण पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। जहां पर शहरीकरण है, औद्योगिकीकरण है, भीड़भाड़ वाले इलाके, ऐसे स्थानों पर धन आवेशित कणों की बाहुल्यता प्राधान्यता होती है। और उस वायुमंडल में रहने पर हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है। कैसी हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। और उसके कारण हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, और होने के बाद भी जब हम दवाइयां लेते हैं तो वो शीघ्रता से ठीक नहीं होता है। और दूसरे कण होते हैं ऋण आवेशित कण। वो स्वाभाविक रूप से जहां पर नदी, झरने, तालाब, समुद्र के तट, पहाड़ी क्षेत्र, जंगल, पेड़ पौधे, बागवान आदि होते हैं, वहां पर विशेष रूप से पाए जाते हैं। और उस स्थान पर रहने से, ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने पर हमारे, पहले तो वो हमारे हार्मोन्स को गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मानी स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, इन सब से मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। और दूसरा, वो जो पार्टिकल होते हैं उसमें हम रहते हैं तो उससे हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन बन जाती है। क्या हो जाती है? हमारा पूरा शरीर अल्कलाइन क्षारीय बन जाता है। और क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता ही नहीं है, और हो भी गया तो बहुत ही शीघ्रता से ठीक हो जाता है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, ये जो मैं धन आवेशित कण और ऋण आवेशित कण का जो फायदा और हानि जो बता रहा हूं, हम जो ये हवन कर रहे हैं, अग्निहोत्र जिस स्थान पे प्रतिदिन करते हैं, वहां की वायुमंडल के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर पाए जाते हैं। वो इतनी मात्रा होती है जहां घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल में जितने पार्टिकल हो, उतने पार्टिकल हम ये छोटा सा यज्ञ करके अपने घर के अंदर हम उस वायुमंडल को निर्मित कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जंगल जैसा वायुमंडल हम शहर में रहते हो अपने घर के अंदर हम निर्मित कर सकते हैं। छोटा सा यज्ञ यदि हम कर लेते हैं तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हमारा बचाव हो जाता है, वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है, और भी कई सारे अलग अलग लाभ है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति, ऊर्जा चाहिए ना। शक्ति ऊर्जा से हम चलते हैं ना। वो शक्ति, वो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? हम आहार कितने रूपों में लेते हैं? तीन रूपों में। कितने रूपों में? ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन तीन रूपों में ही पदार्थ पाए जाते हैं, और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। ठोस रूप में हम रोटी, दाल, चावल आदि हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस रूप में हम क्या लेते हैं? वायु लेते हैं ना। ये तीन रूपों में हम आहार लेते हैं। ये जो तीन रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें सबसे ज्यादा आहार हम कौन सा लेते हैं 24 घंटे में? हम भोजन कितनी बार लेते हैं? दो बार, तीन बार? द्रव रूप आहार पानी, दूध, जूस आदि 10 बार, 15 बार। ठंडी है तो थोड़ा कम, गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा, लेकिन वायु 24 घंटा एनी टाइम खाते, पीते, उठते, बैठते, चलते, फिरते, यहां तक कि रात को सो जाते हैं तब भी हर एक सेकेंड हम इस वायु रूप आहार को ले रहे होते। मानी 24 घंटे में सबसे ज्यादा आहार हम कोई लेते हैं तो कौन सा आहार लेते हैं? वायु रूप आहार। सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी हमारा कोई होता है तो वो भी वायु रूप आहार होता है। हम ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल आदि को हम छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने जीवित रह सकते हैं। हम पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार छोड़ दें तब भी हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रह सकते हैं, लेकिन हम वायु रूप आहार को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी जिंदा नहीं रहते। मानी सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, हमारा ही नहीं जीव मात्र का कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु रूप आहार। और उस वायु रूप आहार का शोधन करना, उसका पोषण करना, उसका संवर्धन करना, उसको मेडिकेटेड बनाना, उसको सुगंधित करना, उसके अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र, जो हमारा सबसे बड़ा आहार होता है।
तो कहने का अभिप्राय है कि जहां एक ओर वायु प्रदूषण आदि से बचाने का काम जहां ये छोटा सा यज्ञ करता है, उसी के साथ साथ ये धन आवेशित कर्ण, ऋण आवेशित कर्ण की जो मैंने बात बताई, ऋण आवेशित कर्णों को बढ़ा करके हमें स्वास्थ्य और आरोग्य देने के साथ साथ हमारा सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट आहार, महत्वपूर्ण आहार जो है वायु रूप, उसका भी पोषण संवर्धन करने वाला। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्पेषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकल्पेषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। दूसरा, जल सिंचन।
यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत, यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें मोबाइल 9068565306।